ओहो, मैंने जिकू से पूछा मेरा फोन कहाँ है, तो जिकू ने ढूंढ के दिया, बोलते दिखता नहीं है। क्या बोला? ओहो, मुझे तेरे को ज्यादा दिखता है। हेलो दोस्तों, तो कल जिकू सोरू के हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर के डॉक्टर ने बताया जिकू के सोरू के पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, तो उसकी दवाई दी है और दवाई कंटिन्यू लेनी है 3 महीने तक। और फिर घर आए, फिर वही घर वाला रोज वाला रूटीन। और कल रात को 11 बजे फ़ोन आया पापा का कि मैं लेने आ रहा हूँ। रात को फ़ोन करा कि कल शाम को 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा और परसों हमें निकलना है। तो फिर मेरे को तो रात को ही नींद नहीं आई कि मुझे इतनी सारी पैकिंग करनी है, मुझे इतना कुछ लेके जाना है, क्योंकि आधा सामान मेरा यहाँ है, आधा सामान मेरा ससुराल है। तो इस वजह से मैं क्या क्या पैकिंग करूँगी। फिर सोरू के स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो वहाँ भी जाना है। चिकू के पापा ने मुझे बोल दिया कि मेरे तो ऑफिस में काम है, तू जाएगी। अब मैंने कहा मैं अब क्या क्या करूँगी। दोपहर में मुझे 1 बजे स्कूल जाना है और वापस आऊँगी, तब तक पापा आए हुए रहेंगे। सुबह मैं घर का काम करूँगी, पैकिंग करूँगी। फिर अच्छा हुआ कि आज उपेंद्र जी की छुट्टी है तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। उपेंद्र जी जा रहे हैं सोरू के स्कूल में, सोरू को खिला दिया पिला दिया, रेडी कर दिया। और ये स्कूल की इसकी ड्रेस रहेगी, ये जो डांस वाली ड्रेस है, ये कौन से गाने पर डांस रहेगा? शवार्दू। तो इसका डांस का वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। तो इसमें ना थोड़ा चुभ सा रहा है, देखो ये ड्रेस है ना, तारे तारे अंदर से चुभ रहा है। बनियान खोली, क्यों बनियान? यहाँ से ये बिया के देखो, इसका मुंह देखो कितना गंदा हो रखा है चिकू का। बिया अच्छा लग रहा है ना? तो फ्रेंड्स, अब आपको बताती हूँ मैं मेरा बिखेरा। मैं सुबह से मतलब लगी हुई हूँ काम पे। ये कपड़े जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये मैंने कल मशीन लगाई थी तब धोए थे, तो उनको अभी अंदर लाई। खाना बन चुका है और मतलब मेरा भी खाना है। सोची को मतलब उपेंद्र जी ने खाया, सोनू ने खाना खाया, बाकी बस अब ऐसे ही चलता रहेगा। दोपहर में चिकू के पापा आएंगे, अभी 11:30 हो रहा है। और अंदर मैंने सुबह सुबह अपना सामान सारा निकाल के रख दिया, और मेरी जो अटैची है उस पर कवर लगवाना है, तो वो कवर लगवाने के लिए भेजी हुई है। ये देखिए क्या सारा सामान, ये पूरा बिखरा है अभी। तो ये सेट करने, अभी इसमें बच्चों के कपड़े नहीं है, बच्चों के कपड़े निकालने हैं सोरू के चिकू के, क्योंकि अब मैं जाऊंगी तो 4 महीने वही हूँ मैं, तो 4 महीने के हिसाब से मुझे सारा ही लेके जाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है। दोनों काम रहते हैं, समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे ना पैर कांप रहे कि मैं 1 सेकंड नहीं बैठी हूँ, काम खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा हुआ मैंने कंबल वगैरह कल धो दी और बेडशीट वगैरह भी धुली हुई है। धोने का तो मेरे तक काम नहीं है, फिर भी मैंने मशीन लगाई आज, जो और जो कल के कपड़े हुए, थोड़े आज के कपड़े हुए, जो नहा लिए, तो सारे कपड़े डाल दिए मशीन में। और कल बोला था पायदान धोने, तो वो आज मैं पायदान भी धो देती, ताकि फिर मेरे धुलने का काम पूरा कंप्लीट रहेगा और बस पैकिंग का रहेगा। तो अभी मेरे नहाना बाकी है, तो मैं पहले खाऊंगी खाना, मुझे भूख लगी हुई है। मैं खाना खाती हूँ, चिकू को खाना खिलाऊंगी। और अन्नू को भी फ़ोन करा था मैंने आज, क्योंकि वो कल मार्केट गई थी, कुछ चिकू के कपड़े वगैरह कुछ लाने थे, वो जो कुर्ता पजामा लाई थी उसके पैंट चेंज करवाने थे चिकू के पापा के, तो वो चेंज करवा के लाई है। तो वो क्या क्या लेके आई मुझे अभी कुछ कन्फर्म पता नहीं है, वो आएगी तभी पता चलेगा, आपको बताऊँगी मैं। वो आएगी तो मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, पर 4 बजे तो पापा आ जाएंगे, वो 1:30 बजे आएगी, फिर कितनी सी हेल्प होगी मेरी। पर मैं पैकिंग अभी नहीं कर रही हूँ, पैकिंग अब दिन में पहले घर का काम पूरा कंप्लीट करके नहाना धोना करके फिर पैकिंग में बैठूंगी। और इधर ये देखो ये डब्बे, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के डब्बे, इतने इधर है उतने ये ससुराल में पड़े हैं। आप सोच नहीं सकते आज मेरे पास कितना सारा काम है। क्या ये है, क्या किस क्यों उतारा ये? नहीं, सोरू के स्कूल में सोरू के मैडम है ना, जो मेकअप करेगी, ऐसे पिंक पिंक बाल बनाएगी। पिछली बारी मैं गई थी इसके एनुअल फंक्शन में, आज नहीं क्यों? आज पापा मुझे करे घर से करके भेज दो, मैं करती थी मेकअप। हाँ, पापा ने मुझे सच्ची में बोला कि चिकू सोरू की थोड़ा मेकअप कर देना, कर दूँ? चलो पहले सोरू के मेकअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोरू चला गया स्कूल उसके फंक्शन में, और क्या बता रही थी, उपेंद्र जी लेके चले गए और चिकू के पापा बस अभी खाना खाने आने वाले हैं। और कपड़े धुल चुके हैं, सुखा दिए, बस अब पायदान धोया, वो भी सूखने वाले हैं 5 मिनट में। और अनु आने के वो मतलब जो कपड़े मंगाए थे वो लेके आ गए, पर थोड़े कलर वगैरह चेंज आए। इसकी बेडशीट उतारी है धोने के लिए, और
हो सकता है मुझे वापस कपड़े और चेंज करवाने पड़ेंगे, मतलब जो चिकू के पापा के वो तो मुझे अब लग रहा है कि पूरे ही होंगे, पर सोरू के और चिकू के कलर फोटो में अलग दिख रहा था, रियल में अलग दिख रहा है। क्या यहाँ से देखेगा? और अन्नु कर रही है पैकिंग, मैंने बता दी इसको ये कपड़े डालने हैं, तो ये फटाफट डाल रही है। अटैची के कवर आ गए हैं। चिकू मैं बात कर रही ना, दो मिनट रुक जा। और हाँ दादाजी, ओ चतु दादाजी आए, ये बताना है। हाँ। और मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट पापा चिकू के पापा। हाँ दादाजी आ रहे हैं। और कुछ आ रहे हैं? और कुछ नहीं आ रहा है। हाँ। ऐसे बोल, मैं पुनः इतना जा रहा हूँ अपनी दादी माँ के पास। मैं बोल दादी माँ पास। मम्मी पापा के लिए रोटी बना रही है और मम्मी के बहुत लेट हो रहा है, मम्मी को नहाना है। तो अभी टाइम हुआ 3:30 बज गया और बस फटाक से नहा के आई कि पापा आ जाएंगे, क्योंकि 4 बजे पापा के आने का टाइम है। तो पैकिंग हमारी हो चुकी है, अनु ने बहुत सारी हेल्प करवा दी है मेरी, और झाड़ू पोछा भी हो गया है। पोछा हो, झाड़ू तो पहले लगा थे, पोछा भी हुआ है। बस ये वाले थोड़े से हैं जो पैकिंग वाले बच्चे, अभी इनको थोड़ा चेंज करवा के लाना है। और बर्तन करती हूँ मैं, चाय चढ़ाती हूँ साथ में, चाय का भी टाइम हो गया। चिकू को भी आज दोपहर में सुलाया नहीं है, आज तो पापा ने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया है ना कि मतलब पता नहीं था ना कि मैं अभी जा रही हूँ। मेरे को ये था कि अभी 5-4 दिन के बाद जाऊँगी तो आराम से पैकिंग कर लूँगी, पर एक दिन में घर का काम भी करना है, पैकिंग भी करना बहुत मुश्किल होता है। एक मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ और चिकू को भी नहीं सुलाया, चिकू को सुलाने के लिए टाइम नहीं मिला मुझे आज। पूरे दिन से कंटिन्यू चल रही हूँ। और फिर अब लहंगा पहन लिया है, क्योंकि पहले सलवार सूट पहने हुए थे, तो हमारे जब पापा आते हैं तो सलवार सूट हमारे चलते नहीं है, तो हमारी घूंघट रहता है, इसलिए राजपूती ड्रेस ही अलाउड होती है। तो फिर मैंने ये पहन लिया है। और अब थोड़े से बर्तन में ज़्यादा तो नहीं है, तो बर्तन करती हूँ, चाय बनाती हूँ, तब तक हो सकता है चिकू के पापा ये सर चिकू के दादाजी आ जाएंगे, और सौरू और उपेंद्र जी वो स्कूल गए वो भी आ जाएंगे। तो चलो आप भी ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गए रात का खाना कंप्लीट। और क्या बोल रही थी, बच्चे चिकू सोरू बाहर खेले, आज चिकू सोया भी नहीं है, दिन में भी नहीं सोया, फिर अभी भी नहीं सो रहा। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, अनु वॉल्यूम कम कर। और बाहर पापा सो रहे हैं हॉल में, जहाँ हम लोग रोज़ सोते हैं वहाँ पे पापा सो रहे हैं, हम लोग अंदर है। और अभी इनका वॉलीबॉल चल रहा है, कब तक चलेगा ये कन्फर्म नहीं है। और आज बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि पूरे दिन से हम चलते रहे। दोपहर में अनु आई, अनु घर जा रही थी, पर मैंने इसको जाने नहीं दिया कि रुक जा यार, रात रात रुक जा, कल सुबह मेरे को कब जाना होएगा। तो अभी हमारा कन्फर्म नहीं है कि मुझे सुबह भी निकलना, हमारी ट्रेन का टिकट है वो कन्फर्म हो गया तो सुबह जा पाएंगे, नहीं होएगा तो फिर 5 बजे जो वंदे भारत है उसमें ट्रेन में टिकट होएगा। तो मतलब तैयारी इस हिसाब से पूरी करके रखी है कि सुबह जब कन्फर्म होएगा तो हमें 10 बजे घर से निकलना है। तो उस हिसाब से सारा मतलब फ्रिज में भी बर्तन वर्तन थे सारे खाली करे, साफ़ करे, और खाना भी बनाए। खाने में ज्वार की रोटी बनाई थी और सब्जी बनाई थी गवार फली और परवल की। तो सबका खाना आज मतलब 6 बजे शुरू हो गया था, 7:30-8 बजे तक सबका खाना हुआ। फिर मेरे पीठ में बहुत दर्द होने लग गया था, फिर अन्नू से थोड़ा दबवाया और फिर बर्तन वर्तन की। अन्नू बीच में फिर मार्केट गई, 6 बजे अन्नू मार्केट गई थी, 6-7 बजे वापस आई। और पूरा दिन कैसे निकला कुछ पता ही नहीं है। अभी भी थोड़ी बहुत पैकिंग मतलब क्या होता है कि तब तक रवाना होएंगे तब तक चलती रहेगी, क्योंकि बाथरूम से अपना शैम्पू पेस्ट सॉरी ब्रश वगैरह लेने वो अब सब सुबह लूँगी। और इस ब्लॉग का आप तो यहीं पे एंड करती हूँ, सुबह मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का, और इसमें मैंने सुबह का नाश्ता वास्ता सबका हो गया, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया। पापा थोड़ी सी देर के लिए बाहर गए थे, कहीं जाना था शोक सभा में, तो वहाँ गए थे चिकू के पापा और दादाजी। तो फिर मैंने पीछे से फटाफट झाड़ू पोछे भी कर लिए, बच्चों को भी नहला दिया, और वो ही मतलब जब तक रवाना नहीं होएंगे तब तक यही रहेगा, बस भागना ही भागना है, काम तो कंटिन्यू रहता ही आपको पता है। और वही रोज वाला सीन, जब तक रवाना होना होता तब तक तो इतने परेशान हो जाते, लगता है कहीं नहीं जाए, बस घर पे ही रहे, आना जाना कहीं ना करे। और मेरा तो मतलब जब नहीं जाना होता तब तो सोचती यार मैं गई नहीं, मैं तो पीछे रह गई, और जब जाती हूँ तो ऐसा लगता है यार मैं इतनी थक जाती हूँ कि इतनी पैकिंग करनी पड़ती है। अब तो मेरी भी हो जाती है, दोनों बच्चों की भी है। और अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि पापा वहाँ जाने गए, तब नाश्ता करके गए थे, खाना नहीं खाया था। और फिर अब खाना बनाया है तो चिकू के पापा बस थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं पापा को, खाना मैं परोस रही हूँ साथ में। रायता, पापा ने रायता का बोला था, रायता बनाया था, और बस वही नॉर्मल वाली सब्जी।
और मिर्ची का अचार जो मैंने गाजर मिर्ची का अचार डाला था वो वाला। और मैंने ड्रेस अभी से यही पहन ली, जो मुझे रवाना होना है तब यही पहन के जाऊंगी, मुझे चेंज नहीं करना है। और मुझे उपेंद्र जी पूछ रहे हैं कि आपको थोड़ा अलग नहीं लग रहा क्या, इतने दिन तो मतलब ऐसे फ्री रहते थे, अगर लहंगा भी पहनती थी, खाना वाना बनाती हूँ तो ओढ़ना हटा देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। तो मैंने कहा अभी इतना नहीं लग रहा, जितना ससुराल पापा के आगे घूंघट निकालूंगी तब लगेगा, क्योंकि घूंघट में ही ज़्यादा थोड़ा ऐसे अलग लगता है। बाकी तो मैं ऐसे नॉर्मली राजपूती ड्रेस अक्सर पहनती रहती हूँ ये वाला, तो इतना मुझे अलग फील नहीं होता। और क्या बताऊँ, बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। और चिकू का सोरू का डांस कैसा लगा आपको, क्योंकि उपेंद्र जी ने भी मुझे बताया कि सोरू का स्कूल में डांस बहुत अच्छा रहा था। हेलो दोस्तों, तो सबका खाना वाना हो गया है और बहुत थके हुए हैं, कुछ मत अनु सुबह चली गई थी उठते ही, और फिर वही घर वाला काम रूटीन वाला, और फिर चिकू के पापा और दादाजी मतलब पापा गए थे बाहर, कोई शोक सभा में जाना था तो वहाँ गए थे। फिर वो लोग आए तब तक मैंने बच्चों को नहलाया, झाड़ू पोछा किया और मैं नहाई, इतना काम किया तब तक वो आ गए थे। उनके आने के बाद वही खाना वाना बनाया, और जब तक रवाना होंगे तब तक हमारी थोड़ी बहुत पैकिंग तो स्टार्ट रहेगी। और बेचारे भैया यहाँ पे रोज़ झाड़ू लगाते हैं और रोज़ ऐसे पत्ते गिरते हैं, तो ऐसे लगता है ना 2 घंटे बाद तो ऐसे लगता है यहाँ पे झाड़ू ही नहीं लगा है। और बच्चे आ गए बाहर, क्योंकि आज संडे है तो बच्चों की छुट्टी है, तो सोरू को इसके फ्रेंड ने बुलाया तो चिक्कू भी बाहर आ गया। और टाइम हुआ है 2:30 और 4 मुझे निकलना है, क्योंकि हम मैंने बोला था कि हमें 11 वाली अगर ट्रेन में टिकट कन्फर्म होएगा तो उसमें जाएंगे, फिर उसमें कन्फर्म नहीं हुआ तो फिर हम लोग जाएंगे अब वंदे भारत में, तो वो 4-5 है मतलब, तो 4:30 घर से निकलेंगे। और चिकू का खाना लेके आई हूँ, अब चिकू यहाँ इनके पास नहीं है, वो तो पता नहीं किसके पास खेल रहा है, तो मतलब ये बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ा आराम से खाना भी खा लेगा। अंदर में उसको लेके जाऊँगी, पापा है रूम में सो रहा है तो ना वो मुझे बोलने देगा ना वो खाना खाएगा, तो देखते आज हमारा सफ़र कैसा होता है। ब्लॉग में बने रहिए आप हमारे साथ। ये हमारी सोसाइटी है भाई साहब, इतने पत्ते झड़ रहे हैं, इतने पत्ते झड़ रहे हैं ना बेचारे, सच में यार मतलब हद है। जो लोग झाड़ू लगाते हैं ना उन भैया को मारना पड़ेगा, रोज लगाते हैं रोज, मतलब पीछे भी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और रोज इतना गंदा हो जाता है वापस वहाँ पे, इकट्ठे करके नीम के पत्ते जला भी देते हैं वो। आ जाओ अंदर चिकू, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ चिकू, चिकू बात तो कर दिया, सोरू भैया कितना सुंदर लग रहा है बताओ, चिकू सुंदर लग रहा है ये। चिकू तेरे खाने में नीम के पत्ते गिर जाएंगे, ऐसे करेगा। अरे अरे चिकू जूते गंदे कर लिए, यहाँ पे रात है रात। फ्रेंड्स मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया, गैस वे साफ कर दिया, कुछ भी बिखेरा नहीं है, देख लो पूरा सेट कर दिया। रोटी मैंने शाम के लिए बना के रखी है, सब्जी बनी हुई है और इसमें एप्पल वगैरह कट करी है। खाना हमने नहीं लिया है क्योंकि ट्रेन में खाना मिल जाता है, वंदे भारत में खाना साथ में बुक होता है। और हाँ तीनों बैग ले जाना, तो ये टिफ़िन डाल दी थी इसमें। खाने का मैंने क्या बताया था, टिकट के साथ ही हमारा खाना बुक हो जाता है। वो 1 अंदर रखो, आप ले रहा है जो नहीं वो चुको अंदर रखो, तो मैं आपने बताया वो पहला। तो दोस्तों सफ़र इतना बोरिंग हो रहा है, इसके कोई फायदा नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है दादाजी बैठे हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, और सौरू को टॉयलेट करवाने के लेके गए हैं पापा, और चिकू मेरे पास बैठा है। अभी टाइम हुआ 6:00 और ऐसा लग रहा है कि मेरे को मतलब 3-4-5 हो गए जैसे ट्रेन में बैठे हुए, तो हम लोग 5 बैठे थे, तो 4:30 बैठ गए थे ट्रेन में, तो हम लोग 1.5 घंटा पहले आ गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने सफ़र का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया ट्रेन में, क्योंकि पापा जस्ट पास वाली सीट पे बैठे थे और पापा के सामने मुझे कैमरा ऑन करने में बहुत शर्म आती है, फ़ोन मतलब बाहर ही नहीं निकला, पर्स में ही पड़ रहा था फ़ोन। और सफ़र हमारा वैसे अच्छा रहा था, 10 हम 9:30 पाली पहुँच गए थे, और फिर हमें वहाँ पर मेरे जो छोटे दादा चाचा ससुर जी है वो लेने आ गए थे, तो फिर हम लोग 10 तक घर पहुंच गए थे आराम से, रास्ते में कोई टेंशन नहीं हुई थी। मुझे ये था कि चिकू रास्ते में सो जाएगा, सोरू और चिकू दोनों सो जाएंगे, क्योंकि दिन में सोए हुए नहीं थे, पर फिर भी बच्चे दोनों ने इतनी मस्ती करी ट्रेन में, और 1 के लिए नहीं सोए, रात को घर आने के बाद 12 जाके सोए। और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और क्या बोल रही थी कि सौर्य का डांस आपको कैसा लगता है, और सौर्य का नाम सूर्यवीर सिंह है वैसे आपको बता दूँ, तो डांस कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू, बाय।